हार्ट अटैक से हर आदमी डरता है और हार्ट के हॉस्पिटल वाला इसी का एडवांटेज लेते हैं लोग। जब हार्ट का पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है, एंजियोग्राफी होती है, तो कार्डियोलॉजिस्ट वहां के जो होते हैं वो एक ही डर दिखाते हैं कि आप हार्ट अटैक से मर सकते हो, और उसका एक ही उपाय है हार्ट अटैक रोकने का, वह बाईपास सर्जरी करो या एंजियोप्लास्टी करो। ये सरासर गलत है। पहले तो एक समझिए हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट की बीमारी है जिसमें ब्लॉकेज होती है, और वो ब्लॉकेज बढ़ती जाए तो ब्लॉकेज जितना ट्यूब को क्लोज करेगा उतना हार्ट की सप्लाई कम होने लगेगी, फिर एक टाइम एंजाइना तक पहुंच जाएगा। पर उस बीच में एक बात होता है, क्या ब्लॉकेज बढ़ती जाती है तो ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है, वो पर्दा एक दिन बस्ट कर जाता है। वो पर्दा बस्ट तब करता है जब ब्लॉकेज बढ़ती जाए, और बस्ट करते ही वहाँ से कुछ केमिकल्स निकलता है, ब्लड में मिक्स होता है और ब्लड क्लॉट कर जाती है, इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट के पेशेंट को जब 80 ब्लॉकेज है तो कार्डियोलॉजिस्ट उनको ये डराते हैं कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है, बाईपास करोगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा। ये गलत इन्फॉर्मेशन है। हार्ट अटैक नहीं होगा अगर ब्लॉकेज को रोक दोगे, ब्लॉकेज को बढ़ाओगे नहीं, ये असली आंसर है। पर कार्डियोलॉजिस्ट उनको डराते हैं हार्ट अटैक होने वाला है, और ये रोकने की बात नहीं करते, वो बोलते हैं हार्ट अटैक का एक ही उपाय है बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी। ये गलत बात है। बाईपास सर्जरी में कोई हार्ट अटैक को रोकते नहीं है, ब्लॉकेज को रोकते नहीं है, पर्दा फिर भी पटेगा। बाईपास सर्जरी में नई ट्यूब लगाते थे, इतनी बड़ी सर्जरी करके नई ट्यूब लगाते हैं, और एंजियोप्लास्टी में उसमें स्टेंट लगा देते हैं, वो स्टेंट आगे जाके फिर बंद हो जाता है। तो रियल इन्फॉर्मेशन आम आदमी तक ये पहुंचना होगा कि हार्ट अटैक रोकने के लिए बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट अटैक रोकने के लिए जो ज़रूरत है वो है ब्लॉकेज के कारणों को हटाओ, खाना पीना बदलो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, और उसके संग स्मोकिंग बंद करो, सिगरेट पीना के संग जर्दा गुटखा बंद करो, और वजन कम करो, स्ट्रेस कम करो। ये सारी बहुत ज़रूरत है हार्ट अटैक रोकने के लिए। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के पास चली गई है कि हार्ट अटैक रोकने के लिए बाईपास सर्जरी करना होगा, एंजियोप्लास्टी करना होगा। ये कोई भी जगह में कहीं लिखा हुआ नहीं मेडिकल साइंस में कि इन दोनों से हार्ट अटैक रुकती है। तो ये जो गलत इन्फॉर्मेशन चल रहा है इसको रोकना चाहिए। जो रियल ज़रूरत है हार्ट के पेशेंट को वो है ब्लॉकेज को बढ़ाना बंद करें, उसको बोलते हैं प्रिवेंशन, और रिवर्सल जिसमें ब्लॉकेज को कम किया जाए।